नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहती है, चिंता में रहते हैं। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मालिश होती है ना, सिर की मालिश वगैरह, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आप थोड़े से बाल बड़े हैं तो उसको छोटे करवा लीजिए, ज़्यादा बड़े बाल सही नहीं होते सिर के लिए, तो थोड़े छोटे करवा लीजिए। उसके बाद में सरसों का तेल है, आप असली जो सरसों का तेल होता है, जो कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, उससे मालिश कीजिए, उससे बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। आप खूब मालिश कीजिए, उंगलियाँ ना, उंगलियों का आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से, ऐसे इसको उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको मालिश करनी है। और जैसे एक्यूप्रेशर जो आप करते हैं, तो यहाँ से जो है आपका, इसको इस तरीके से आपको उंगली और ये जो है ना अंगूठे का, ये और ये उंगली के बीच का, इसके बीच में आपको उंगली को ऐसे लेना है। तो इस तरीके से आपको जैसे तेल लगा लिया, तो उसके बाद में इस तरीके से आपको, देखिए देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसको मालिश करनी है, इस तरीके से करनी है। और इस तरीके से फिर आगे पीछे दोनों तरफ से करनी है, सारी उंगलियों पर करनी है, पैरों पर भी इसी प्रकार से करनी है। और करने से पहले पैरों पर भी अच्छे से इसको तेल लगाइए, अच्छे से इसको ऐसे रगड़िए, ठीक है, बराबर से रगड़िए, इधर से रगड़िए, हर जगह से रगड़िए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो रक्त संचार है काफ़ी अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी व्यक्तियों का आपने देखा होगा कि रात को सोते हैं तो तकिया लगा के सो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आदत है। एकदम से आपकी आदत नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे 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 करके आपको तकिए की आदत छोड़ देनी है। और सोने के लिए आपका जो गद्दा है ना, गद्दा सख्त होना चाहिए, जिसमें कि आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ ना जाए, ऐसे ना हो, बिल्कुल एकदम सीधी रहनी चाहिए, सख्त, ठीक है। तो नरम गद्दा कभी भी इस्तेमाल मत करना। जो व्यक्ति नरम गद्दा इस्तेमाल करेगा उसको रीढ़ की हड्डी का रोग निश्चित रूप से होगा, और जो व्यक्ति खड़े होकर पानी पिएगा उसको घुटनों का रोग निश्चित रूप से होगा, और जो व्यक्ति तकिया लगाता है उसको सर्वाइकल और गर्दन के जैसे रोग 100% निश्चित रूप से होंगे। तो बिना तकिया लगाए सोइए, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, सिंपल जानकारी है। और दोस्तों, इसी तरीके की इस चैनल पर आपको जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन था उसको जरूर दबाया कीजिए। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में।